अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं लाइव अब्दुल्ला। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी मदद से आप टिकटॉक पर जल्दी ग्रो कर सकते हैं। आपको पता है कि आजकल टिकटॉक ट्रेंडिंग में है, आप कहीं से भी वीडियो उठाएं, उसको थोड़ा बहुत एडिट करें और अपने टिकटॉक पर अपलोड करें तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए आपको मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि किस तरह से आप इसको अर्न कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एल्गोरिदम के बारे में बात करेंगे कि टिकटॉक का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो आप अगर हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज लाने के लिए हमें बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है। सो यहाँ पे आपको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपने अगर हमारी लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो वहां पे जाके देख सकते हैं। उनमें मैंने कवर किया है किस तरह से आप अपनी निश को सिलेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से आप कौन से निशेज में ज्यादा पैसे हैं काम कर सकते हैं, और सारी डिटेल में बताया है कि आप यूएस वगैरह के नंबर पे अगर काम करेंगे वहां पे टिकटॉक बना के तो उसी से आप अर्निंग कर सकते हैं। हमारे मुल्क में अभी तक वो मोनिटाइज नहीं है। सो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने टॉप पे आपको लिखा है कि टिकटॉक का एल्गोरिदम ये किस तरह से काम करता है। अगर हम किसी भी सर्च इंजन की बात कर लें, हर सर्च इंजन का कोई ना कोई एल्गोरिदम होता है। जिस तरह गूगल के अपने एल्गोरिदम हैं और आप अपनी SEO की मदद से वहां पे अपने ब्लॉग वगैरह को रैंक करवा सकते हैं, इसी तरह से यहाँ पे टिकटॉक का एक अलग एल्गोरिदम है। इसी तरह बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक अलग एल्गोरिदम है। अगर आप फेसबुक पे देखें उन पे अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं रैंकिंग फैक्टर के हवाले से, अगर आप यूट्यूब पे देखें उसकी अपनी एक SEO है। तो यहाँ पे आपको मैं बेसिक और बहुत ही अहम टिप्स देने जा रहा हूँ जिनकी मदद से आप अपना टिकटॉक अकाउंट वायरल कर सकते हैं और बहुत जल्दी इससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ की पॉइंट्स निकाले हैं। सबसे पहले हमारे पास है यूजर इंगेजमेंट। तो यूजर इंगेजमेंट बेसिकली क्या है? इंगेज है कि किसी भी किसी शख्स का आपके साथ मुंसलिक होना या किसी का किसी के साथ मुंसलिक होना, इसको हम बोलते हैं इंगेजमेंट। तो यहाँ पे जो हमारे यूजर हैं उनको हमने इंगेज करना है। जो भी बंदा हमारे सामने हमारा विजिटर आ रहा है उसके साथ हमने इंगेजिंग करनी है। वो कैसे हम कर सकते हैं? यहाँ पे मैंने उसके आगे दो लिखे हैं कि किस तरह से आपने स्टार्ट 5 सेकंड जो हैं उनमें बंदे को रोकना है अपनी वीडियो के ऊपर। जो भी आपका यूजर है पहले 5 सेकंड वो आपकी वीडियो पे रुकना चाहिए लाजमी। उसके बाद आपने नेक्स्ट 15 सेकंड की जो भी वीडियो आपने तकरीबन 25 से 30 सेकंड की बनानी है उसमें आपने अपना बाकी डाटा डिलीवर करना है। इसमें आप ब्रांडिंग पे भी काम कर सकते हैं, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे भी, या फिर आप इसमें कोई और भी निश सिलेक्ट कर सकते हैं। वो मैंने आपको एग्जिस्टिंग जो भी आप वीडियो देखेंगे उसमें आपको बताई हुई है कोई 5 ऐसी निशेज हैं जिनमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, जिसमें आपको अपनी ब्रांडिंग किए बगैर आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उस पर प्रॉपर आपको मेहनत करना जरूरी है। सो अगर हम इससे नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, 5 सेकंड में हम क्या करेंगे? हम यूजर को रोकेंगे, क्योंकि जो भी बंदा स्क्रोल कर रहा है वो आपकी वीडियो की अटेंशन की वजह से रुकेगा। अगर आपकी अटेंशन अच्छी हुई, आपका जो स्टार्ट अच्छा हुआ, तो वो वीडियो पे रुकेगा और उसके बाद फिर वो मूव करेगा नेक्स्ट 15 सेकंड देखने के लिए आपकी जो भी शॉर्ट है उस पे। सेकंड पे आपका कंटेंट आ जाता है कि किस तरह से आप अपने कंटेंट में, दो किस्म के कंटेंट हैं, एक तो आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। जिस तरह से आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं इसमें पर्सनल ब्रांडिंग है कि मेरे नाम का चैनल है, मेरी अपनी वॉइस है, मेरा अपना वीडियो है और हर चीज मेरी अपनी है, इसको हम बोलते हैं ब्रांडिंग। और उसमें फेस कैम भी हो सकती है और विदाउट फेस भी हो सकती है, लेकिन फेस कैम की ब्रांडिंग से क्या फायदा है? अगर आपका एक सोशल मीडिया कोई कलकला हैक हो जाता है, बंद हो जाता है, तो आपके फेस से दुनिया, आपके जो भी यूजर हैं आपको जानते होंगे, आपके फॉलोअर आपको जानते होंगे। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके दोबारा अगर अपना अकाउंट बनाएंगे और वहां पे अपने आप को शो करवाएंगे तो वो फौरन से आपको दोबारा फॉलो कर लेंगे। सो इसलिए आपको जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो बहुत जरूरी है। उसके अलावा अगर आप आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो यहाँ पे जस्ट आप अदर पे आ सकते हैं। अदर में अब क्या क्या ऐड हो सकता है? अदर में आपको मैंने निशेज बताई हैं, स्पोर्ट्स है, ट्रैवल है, उसके बाद आप कोई और इस तरह का कैश काउ, जिस तरह हम यूट्यूब का चैनल बनाते हैं इसी तरह अपने टिकटॉक को कैश काउ टाइप बना सकते हैं, जिसमें आप फैक्ट्स पे काम कर सकते हैं,
कंट्रीज के फैक्ट्स पे काम कर सकते हैं, पर्सनल आप लोगों के फैक्ट्स पे काम कर सकते हैं, किसी आप डिटेल हिस्ट्री में जा सकते हैं कि हम उनमें सेलेब्रिटीज की हिस्ट्री बता सकते हैं, जिनमें आप जस्ट अपना वॉइस ओवर और पिक्चर्स को ऐड करके एक अपनी वीडियो बना सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको फायदा क्या होगा, टिकटॉक पर तो आप अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे, साथ साथ उसको शॉर्ट्स को आप अपने यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, उसके साथ साथ आप उसको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी प्रमोट कर सकते हैं अपने पेजेस को, और कल को उनको भी प्रॉफिटेबल बना सकते हैं जब आपके पास एक अच्छी ऑडियंस होगी। सो थर्ड नंबर पे आता है वॉच टाइम। वॉच टाइम कैसे काम करता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉच टाइम में मैंने देखा है कि 10 से 15 सेकंड की आपने वीडियो स्टार्ट में बनाना शुरू करनी है। जब आपकी 10 से 15 सेकंड की वीडियो होगी तो लोगों को जो एवरेज वॉच टाइम है वो आपके एल्गोरिदम में ज़्यादा जो है वहाँ पे शो होगा, और अगर आपका यूज़र 5 सेकंड भी वीडियो देखता है इट्स मीन आपके लिए वो बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि आपके वहाँ पे प्लस पॉइंट में जाएगा कि अगर आपके 15 सेकंड में कोई बंदा 5 सेकंड आपकी वीडियो देख रहा है आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, और इसी वॉच टाइम को आप फिर मेंटेन रख सकते हैं। उसके बाद अपनी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आप 60 सेकंड की बनाएंगे। यहाँ पे टिकटॉक का जो पेड और प्रीमियम अकाउंट होगा जिसमें आपका रेवेन्यू आएगा, वहाँ पे उनकी एक शर्त है कि आपकी वीडियो 1 मिनट से ज़्यादा लंबी होनी चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता जब आपके व्यूज़ पूरे होना शुरू हो जाएं और आपकी इंगेजमेंट बढ़ जाए तो आप अपने 10-15 सेकंड की वीडियो को आहिस्ता आहिस्ता फिर 60 सेकंड की तरफ ले जा सकते हैं। सो नेक्स्ट है वीडियो परफॉर्मेंस। वीडियो परफॉर्मेंस में आप किस तरह से अपने यूज़र को रोक सकते हैं, वहाँ पे सबटाइटल और PNG को यूज़ करके आप अपने जो यूज़र को रोक सकते हैं स्टार्ट में। अगर आपका कोई बंदा फेस नहीं देख रहा, याद रखें जिन पिक्चर्स में जिन वीडियोज़ में आप नीचे सबटाइटल ऐड करते हैं वो बंदा आपका फेस कम देखता है लेकिन नीचे से आपका सबटाइटल पड़ता जाता है, और इस तरह आपकी जो इंगेजमेंट बढ़ती जाती है और आपका यूज़र आपकी वीडियो पे रुक जाता है। उसके बाद आप PNG पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, जस्ट आप PNG पिक्चर को जहाँ पे जो भी कोई क्वेरी ऐड कर रहे हैं बोल रहे हैं उसको आप अपनी पिक्चर में अपनी वीडियो में ऐड करते जाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, यूज़र को बार बार एक नई पिक्चर देखने को मिलेगी, साथ साथ उसको बात सारी समझ आ रही है, साथ में अगर पिक्चर अटैच कर दी है तो आपकी यूज़र इंगेजमेंट इससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। सो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो 5th की पॉइंट है वो है लोकेशन का, कि आप किस लोकेशन के लिए काम कर रहे हैं और आप किस तरह का कॉन्टेंट बना रहे हैं, जिसमें आप अगर हमारे एशिया वगैरह को टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ पर आप उर्दू में अपना कॉन्टेंट बना सकते हैं, अगर आप यूरोप को टारगेट कर रहे हैं तो वहां पे अपना इंग्लिश में कंटेंट बना सकते हैं। सो इस की पॉइंट में आपको बताता हूं कि किस तरह से आप अपना लैंग्वेज को और बैकग्राउंड वगैरह म्यूजिक को किस तरह से यूज करते हैं। अगर आपका कंटेंट आपके जो यूजर हैं आपके व्यूअर हैं यहां से हैं जहां पे आप लोकली अपना काम कर रहे हैं तो वहां पे आपका लैंग्वेज का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर आपके यूजर उर्दू सुनने वाले हैं, उर्दू जाने वाले हैं, हिंदी वाले हैं तो आपने अपना कंटेंट कोशिश करनी है कि उसमें अपनी लैंग्वेज ऐड करनी है। अगर आप फेस कैम नहीं कर सकते तो आप बैकग्राउंड पे अपनी वॉइस ओवर लाजमी अटैच करें। उसके बाद अगर आप यूरोप का कर सकते हैं तो AI की वॉइसेस का यूज़ कर सकते हैं। बहुत से ऐसे टूल हैं, आपको मैंने बहुत सी वीडियोस में बताया भी है किस तरह से आप AI से वॉइस जनरेट करवा सकते हैं, तो वहाँ पर आप अपना AI वॉइसेस वहाँ पर यूज़ करोगे। सो यहाँ पर 6th एंड लास्ट जो हमारा है वो है कोलैबोरेटिव, कि हमने यूज़र के साथ कैसे कोलैबोरेट करना है कि ऐसा लगे यूज़र को आप अपने अपने लगें। आप अगर पर्सनल ब्रांड पे भी काम कर रहे हैं तो आप अपने यूज़र के कमेंट्स का रिप्लाई करें, उसको फॉलो बैक करें जो लोग आपको जानते हैं, और उसके बाद आपका जो रिलेटेड कंटेंट है आप उसको फॉलो करें। ये सारी चीज़ें जो हैं एल्गोरिदम को हेल्प करती हैं, और एक आपका जो है ग्रीन सिग्नल जाता है पीछे बैकग्राउंड पे टिकटॉक के, और वो आपके अकाउंट को लाजमी वायरल करती हैं। टिकटॉक का एल्गोरिदम टोटल मैंने तकरीबन 6 की पॉइंट्स में आपको कवर किया कि आप फॉलो बैक करें जो लोग जानते हैं, बाद में बेशक आप उनको अनफॉलो कर सकते हैं बिकॉज आपने स्टार्टिंग में अपनी ग्रैब करनी है ऑडियंस, तो आपको ज़रूरी है उनको फॉलो बैक करें। उसके बाद आप हर कमेंट का रिप्लाई करें स्टार्ट में, आहिस्ता आहिस्ता इससे यूज़र आपको कोई कमेंट करेगा नाइस आप थैंक्स कह सकते हैं, उसके बाद अगर उसने कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन कर दिया आपके वीडियो के कमेंट में तो आपने वहां पे अपने कमेंट में उसका जवाब देना है, तो हो सकता है यूज़र एक और कमेंट करे, इससे क्या उसको जो आपके एल्गोरिदम को सिग्नल जाएगा कि यार ये जो क्रिएटर है बहुत इंगेजिंग है और आपकी वीडियो को लाजमी वो और लोगों के सामने
दिखाएगा और फिर आपके जो है व्यूज और बढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो रिलेटेड कंटेंट है वो भी बहुत अहम है। आप जिस टाइप का कंटेंट बना रहे हैं और जिस टाइप के आप विजिटर लेना चाह रहे हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपना कंटेंट उनको फॉलो करें और आहिस्ता आहिस्ता आपका जो है कंटेंट उनमें मिक्स होता जाएगा और टिकटॉक को यही सिग्नल जाएगा कि ये इसके रेलिवेंट कंटेंट है और वो आपको भी प्रमोट करेगा। इसका मैंने एक पूरा एक पेड कोर्स तैयार कर लिया है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ए टू जी आपको बताया गया है कि किस तरह से आप टिकटॉक का फर्स्ट अकाउंट ले सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, टिकटॉक को किस तरह से आप ऑडियंस ला सकते हैं और किस तरह से फिर उसमें आपने मुकम्मल वीडियो एडिटिंग सिखाई है कि आपने ऐसी वीडियोस कहां से उठानी है कि जिनके ऊपर आपको कॉपीराइट क्लेम ना आए, फिर उनको आप यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्मोरा या आप फिर वो कैप कट, इस तरह के जो भी हैं छोटे छोटे सॉफ्टवेयर, उनमें एडिट करके आप अपनी वीडियो को किस तरह से अपलोड करते हैं, उसमें टाइमिंग क्या है, और उसमें मैंने मेन पॉइंट्स आपको बताए हैं कि किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं कि दिन में कितनी दफा कौन से टाइम पे आपने अपलोड करनी है, कौन से आपने जो टैग्स को यूज करना है और किस तरह से आपकी वीडियो वायरल होगी। सो, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।